फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्व सब सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा जावा स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेस्ट पैरामीटर इन जावा स्क्रिप्ट, मीन्स कि रेस्ट पैरामीटर का जावा स्क्रिप्ट फंक्शन में क्या कंसेप्ट होता है, इसको हम बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेस्ट पैरामीटर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो रेस्ट पैरामीटर एक इम्प्रूव्ड वे है किसी भी फंक्शन के पैरामीटर को हैंडल करने के लिए। ये हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर को अपने फंक्शन में इजीली हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया और उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए और हम आर्गुमेंट ज़्यादा पास कर रहे हैं जब उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए हमारे रेस्ट पैरामीटर को हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल करके देखेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मींस कि विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट पैरामीटर ए फंक्शन कैन बी हैंडल विद एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। मींस कि अगर रेस्ट पैरामीटर आप यूज करते हैं तो आप मेनी पैरामीटर को हैंडल कर सकते हैं, मेनी आर्गुमेंट को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आपको सिंटेक्स दिख रहा है कि हम फंक्शन और फंक्शन का नेम, ये नेम होता है, और यहाँ पर ट्रिपल डॉट मीन्स कि 3 टाइम्स डॉट देना होता है आपको, और यहाँ पर पैरामीटर का नेम, ठीक है, ये आपका अपना नेम होगा किसी भी, मीन्स कि अपना नेम कहने का मतलब कि कस्टम नेम होगा, अपने मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ पर पैरामीटर्स ही लिखेंगे। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट होता है यहाँ पर, मीन्स कि उस पैरामीटर पर कौन सा स्टेटमेंट आपको वर्क में लेना है, कौन सा फीचर प्रोवाइड करना है, वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए एक बार HTML पेज पर देखते हैं इसको। तो दोस्तों, ये हमारा HTML, यहाँ पर मान लीजिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और यहाँ फंक्शन का नेम मान लीजिए मैं रखता हूँ सम, ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लीजिए 2 पैरामीटर पास करता हूँ, num1, num2, ठीक है, और इसके बाद मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न num1 plus num2। अब क्या करेंगे, मान लीजिए को मैं कॉल करना होगा तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मान लीजिए हम पास करते हैं 10, 20, ठीक है, और इसके अंदर पास तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे सम, मीन्स इस मेथड के अंदर पास करेंगे, इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, मीन्स कि दोनों को सम कर देगा, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको 30 आ गया, लेकिन क्या होगा जब हमें यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैं BR टैग कर लेता हूँ, BR, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा जब हमें इसी को कॉल करना हो, यहाँ पर मान लीजिए कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करता हूँ, अब क्या होगा देखिए। अच्छा, BR का टैग हमने यहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, एक बार देखिए, यहाँ पर कंसोल के अंदर जाएंगे, ये बोल रहा है कि इसके पास इशू है। अच्छा, BR का टैग इस तरीके से लगाते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट के अंदर लगा रहे हैं, इसको इस तरीके से नहीं लगाते, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, मैं बताता हूँ आप, इसको हमें क्या करना होता है कि एज HTML यूज करना होता है, तो इसको डिलीट कर दीजिए, आप यहाँ पर लगा सकते हैं प्लस करके फंक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं आप BR, ताकि ये हमारा जो अगला कोड नीचे प्रिंट हो इसको सेव करेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी 30 आ गया, मीन्स कि हमने 2 पैरामीटर लिया है और आर्गुमेंट हमें आज 3 पास कर रहे हैं, तो हमारा जो दो पहले का जो 2 आर्गुमेंट है उसी को प्लस करके दे रहा है, इसको छोड़ दे रहा है, मीन्स कि इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक और देते हैं यहाँ पर, इसको भी कॉपी करके मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं 4 पैरामीटर देता हूँ, 40 कर दिया मैंने, ठीक है, अब इसको भी करूँगा तो देखिए 30 ही आया, एक ही साथ आ गया। अगर मैं यहाँ पर BR टैग लगा दूँ तो नीचे प्रिंट करेगा, यहाँ पर मान लीजिए कॉपी करके मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये नीचे प्रिंट करेगा, ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको सेव करते हैं, ठीक है, यहाँ पर BR टैग, सॉरी, इसको हमने इसके अंदर लगा दिया, हमें फंक्शन के अंदर नहीं लगाना था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर हमें लगा लिया, यहाँ पर आ गया, देखिए ये भी 30 आ रहा है। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास आया क्या कि आपका जो रेस्ट पैरामीटर,
मीन्स कि अगर आपके पास पता नहीं है कि हम कितना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, उस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेस्ट पैरामीटर। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि आपको एक पैरामीटर पास करना है और भी ट्रिपल डॉट के साथ, डबल डॉट भी करेंगे तो नहीं चलेगा, ट्रिपल डॉट लिखना होगा। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने नम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लूप चला लेंगे, ठीक है। तभी तो इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर, तो उसको हम प्लस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया वायर, और एक कोई एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमें प्लस करके देना है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक्सी ले लिया, इसमें पहले मैंने जीरो साइन कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पर, वन सेकेंड, फॉर लूप यहाँ पर लिख लिया मैंने, और यहाँ पर लिख लिया वायर आई ऑफ, यहाँ पर जो नम है ये लिख लूंगा, ठीक है। मीन्स इसमें जो भी डेटा आएगा इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब डेटा आएगा आपके पास, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब ये लूप चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स में एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई लिख देंगे। मीन्स कि अब आई में देखिए, अब इसमें जितने पैरामीटर होंगे, जितने भी आर्गुमेंट आएंगे सब इसमें आएंगे, उसमें एक एक करके आई के अंदर आएगा, ठीक है। और आई को हम यहाँ पर ऑन करते हैं, मैंने आई होगा ये, ठीक है। आई को हम प्लस करते जाएंगे, जब इसको सेव करेंगे, देखिए पहले इसका आउटपुट देखिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। पहले अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई रिटर्न नहीं कराया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न एक्स, ठीक है। अब यही हमारा यहाँ पर जो भी हम पास करेंगे इसका आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले को हमने 10 और 20 दिया था, 30 दे दिया, अब इसको जोड़ा था 60 कर दिया, इस सबको जोड़ दिया तो 100 कर दिया। कैसे किया देखिए, अब यहाँ पर और भी पैरामीटर पास करेंगे तो सबको करते जाएगा, मीन्स कि सारे पैरामीटर को होल्ड कर लेगा और एक एक करके आई में ट्रांसफर करेगा। हम यहाँ पर फॉर ऑफ लूप लगाए हैं इसको, ठीक है। हमने लूपिंग के बारे में तो ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक एक करके डेटा आएगा और एक एक करके सबको ऐड करता चला जाएगा। ये जितना बार लूप चलेगा, कितना बार लूप चलेगा, जितने हमारे इसमें आर्गुमेंट हम पास करेंगे, यहाँ पर चार आर्गुमेंट पास किया तो चार बार लूप चलेगा, चारों को ऐड करके एक्स में डालेगा और एक्स को रिटर्न कर देगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यहीं पर रख देते हैं ताकि नीचे प्रिंट हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया 100। अब देखिए, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसको भी देखिए 160 कर दिया, ठीक है। मीन्स कि अब मल्टीपल पैरामीटर आप इजीली हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना पैरामीटर आ रहा है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये होता है रेस्ट पैरामीटर, मीन्स कि इसको आप पैरामीटर को हैंडल करने के लिए करते हैं। हमारे पास जब मान लीजिए हम इसको कोई कोड यूज कर रहे हैं, जो हमारा डेटा पता नहीं है कि कितने डेटा पास हो सकता है, इधर कितना डेटा दे सकता है इसमें, या कोई डेटा हमारे एपीआई से आ रहा है उसमें कितने पैरामीटर हो सकते हैं, कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं, तब उस केस में हम इस तरीके के रेस्ट पैरामीटर को यूज करते हैं। इससे कुछ रूल्स की, इसमें कुछ ऐसे भी रूल हैं जैसे कि आप इस रेस्ट पैरामीटर को किसी पैरामीटर के बीच में रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए पास कर दिया, कॉमा लगा दिया, और यहाँ पर भी कॉमा लगा कर रेस्ट पैरामीटर किया, और यहाँ पर मैं कॉमा लगा कर बी पास कर दिया, मीन्स तीन पैरामीटर पास कर दिया, और एक इस तरीके से, इस तरीके से नहीं होगा। या तो आप सिंगल दे रहे हैं तो आप इस तरीके से पास करेंगे, नहीं तो हमेशा ये क्या होगा कि लास्ट में रहेगा, रेस्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट में देंगे। मान लीजिए आपको पता है कि हमारे पास दो पैरामीटर इस तरीके से आएंगे और उसके बाद और भी पैरामीटर आ सकता है, तो लास्ट में इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसके रूल्स हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट पैरामीटर जो है जावा स्क्रिप्ट के ES 2015 या फिर उसको बोल सकते हैं ES 6 में आया है, मैंने जावा स्क्रिप्ट इस वर्जन में रेस्ट पैरामीटर को ऐड किया गया है। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।